नीरज चोपड़ा की मां के हाथ का बना चूरमा खाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। ये चूरमा उनके लिए नीरज की मां सरोज देवी ने विशेष रूप से तैयार किया था। नीरज चोपड़ा जो दो बार ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं, अपनी मां के हाथ का बना चूरमा बेहद पसंद करते हैं। पेरिस ओलंपिक से पहले नीरज ने प्रधानमंत्री मोदी को इसके बारे में बताया था और तब मोदी ने उनसे चूरमा चखने की इच्छा जताई थी। नीरज ने वादा किया था और बुधवार को उस वादे को निभाया। नीरज की मां के हाथ का चूरमा खाते ही प्रधानमंत्री ने तुरंत अपनी मां की याद ताजा कर दी। प्रधानमंत्री ने अपने भावात्मक पत्र में सरोज देवी को धन्यवाद कहा और लिखा, आपकी बनाई हुई चूरमा खाने के बाद मुझे मेरी माँ की याद आ गई। माँ हमेशा शक्ति, स्नेह और समर्पण का प्रतीक होती है। ये संयोग ही है कि नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले मुझे ये उपहार मिला। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, नीरज बार बार आपके हाथ के बने चूरमा की तारीफ करता है और आज मैंने भी वो स्वाद लिया। ये चूरमा मुझे भी अगले 9 दिनों तक देश की सेवा के लिए शक्ति प्रदान करेगा। नवरात्रि की इस शुभ वेला में मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। माताओं की शक्ति को नमन। आपके आशीर्वाद से मैं एक मजबूत और समृद्ध भारत के लिए अनवरत प्रयास करता रहूँगा। जमैका के प्रधानमंत्री के सम्मान में दिए गए भोज में नीरज भी आमंत्रित थे और वही प्रधानमंत्री ने नीरज की माँ के हाथ का चूरमा चखा। प्रधानमंत्री के इस भावुक संदेश ने न केवल नीरज की मां को गौरवान्वित किया बल्कि यह भी दिखाया कि मां का स्नेह हर जगह एक जैसा होता है, चाहे वो किसी भी परिवार की क्यों ना हो। यह वाक्य हमें बताता है कि मां की बनाई चीजें न सिर्फ स्वाद में खास होती है बल्कि उनमें एक खास तरह का स्नेह और आशीर्वाद छुपा होता है जो हमें ताकत और प्रेरणा देता है।